दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक चंदन का परफ्यूम बनाने के लिए जितने भी केमिकल आते हैं बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, तो जिनके कारण से जो अपना चंदन का जो परफ्यूम है काफ़ी ज़्यादा महंगा बनता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा केमिकल बताऊंगा जिसके सहायता से आप जो परफ्यूम की जो कॉस्ट है उसे कम कर पाओगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले कि जितने भी जो मतलब वीडियोज़ में, क्योंकि चंदन बनाने के दोस्तों सैंडिला काम आता है, सैंडल कोर काम आता है और आपका सीडर वुड ऑयल, तो ये सब जितने भी केमिकल हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो इनके कारण से ये जो चंदन का परफ्यूम है काफ़ी ज़्यादा महंगा बन जाया करता है। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो केमिकल जिसका डालने से दोस्तों तो आपकी जो परफ्यूम की कॉस्ट है वो थोड़ी बहुत सस्ती हो सकती है। तो दोस्तों इसकी वीडियो, आज की वीडियो में हम उसी केमिकल के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती, धूपबत्ती, परफ्यूम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं इस चैनल पर हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों बढ़िए, फिर बढ़ते हैं फिर वीडियो में आगे। तो दोस्तों केमिकल का नाम ध्यान से सुन लीजिए, केमिकल का नाम है वुड एसीटेट, या फिर इसे ग्रीन एसीटेट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखने में दोस्तों कैसा होता है, मैं इसकी अपीयरेंस के बाद बताता हूँ कि कलरलेस टू पेल येलो लिक्विड, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो स्ट्रॉन्ग जो फ्रेगरेंस होती है सूंघने में दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आती है। तो अगर आप इसमें एक अगरबत्ती डिप करके दोस्तों जला के देखेंगे तो उसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत अच्छी, जो माइल्ड जो चंदन टाइप जो नोट होता है ना दोस्तों इसमें से आता है वो। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसकी जो अपेयरेंस मैंने बता दी आपको, इसका जो नोट है, नोट आपकी बात करते हैं, नोट जो इसका होता है एक तरह से बॉडी नोट कहलाता है इसमें, और जो नोट आप चंदन के अंदर से आता है तो कुछ कुछ वैसा ही नोट इसके अंदर से आता है। तो यानी इसका जो नोट होता है वो वुड टाइप होता है। अब ये बात करते हैं कि ये किस किस चीज़ में घुल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये एल्कोहल में डाइल्यूट हो जाएगा, डीपी में, डाइटाइल फैटलाइट में डाइल्यूट हो जाएगा, डीपीजी में डाइल्यूट हो जाएगा, और इनसोल्यूबल अगर मैं बात करूँ तो यानी किस चीज़ में ये डाइल्यूट नहीं होगा दोस्तों, वाटर में ही डाइल्यूट नहीं होगा। तो वाटर में डाइल्यूट बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करिएगा आप। अब दोस्तों बात आते हैं कि बात करते हैं कि ये अगरबत्ती और धूपबत्ती में कैसे यूज़ करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 20 से 25 ग्राम आप जो प्रीमिक्स होता है उसमें डाल के देख सकते हैं। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप एक काम करिए, बराबर के रेशो ले लीजिए, यानी इसकी ग्रीन एसिटेट की और जो डीपी की बराबर के रेशो ले लीजिए, तब दोस्तों प्रीमिक्स में डाल के देखिए। जैसे मैं ऐसे बेस इस्तेमाल करते हैं या फिर हम ऐसे सामरानी कप इस्तेमाल करते हैं या फिर धूप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप डाल के देख लीजिए क्या रिजल्ट देता है। क्योंकि मैंने प्योर डाल के देखा तो मेरे को किसकी कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं लगी। हाँ, परफ्यूम में दोस्तों कमाल का ये जो केमिकल है वो फ्रेगरेंस देखने में मिल जाता है, क्योंकि सस्ता हम जो चंदन का जो फ्रेगरेंस है हम इसी से बना सकते हैं। तो ये जो केमिकल है दोस्तों बहुत ज़्यादा सस्ता है, लगभग आपको 250 से लेकर 300 की रेंज में मिल जाएगा। और जितने भी जो चंदन के नोट के जो केमिकल है दोस्तों वो आपको 1500 से लेके 1600, 1000, 1200 तक की रेंज के मिलते हैं। तो जो चंदन का जो परफ्यूम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सस्ता जो केमिकल जो यूज़ किया जाता है ये वही वाला जो केमिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका कि नाम है ग्रीन एसीटेट, जिसे कि हम वुड एसीटेट के नाम से भी जानते हैं। फ्रेगरेंस की मैंने आपको बताई, जो इसका नोट बताया वो सैंडलवुड नोट होता है। आप दोस्तों इसको इस्तेमाल करेंगे ना, जो अगरबत्ती परफ्यूम बना रहे हैं वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नहीं जानते तो एक बार इस्तेमाल करके देखिए, फिर मुझे बताइए कि ग्रीन एसीटेट आप परफ्यूम की दुकान से जाएंगे तो वहाँ से लेके आएंगे, 1 किलो ही लेके आ जाइए दोस्तों, सस्ता ही है, 350 रुपये का है। और अगर आप चंदन का परफ्यूम बनाने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको काम आने वाला है। तो ये मैंने आपको बताया। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम केमिकल कहाँ से खरीदें, सबसे बड़ा सवाल आता है केमिकल कहाँ से खरीदें। तो मैं आपको दोस्तों इस पर वीडियो ऑलरेडी बना के दे रखा है कि आप इंडिया मार्ट से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, आप फ्रेगरेंस या रॉ मटेरियल कुछ भी चीज़ दोस्तों आप इंडिया मार्ट से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो वहाँ पर जो बल्क में भी सेल किया करते हैं लोग, और रिटेल में भी सेल किया करते हैं, और जो आसपास आपके पास जो परफ्यूमरी की दुकान है जो आपके हर उसमें होती है, हर शहर में एक परफ्यूमरी की दुकान होती है, वो रॉ मटेरियल भी बेचा करती है, परफ्यूम भी बेचा करती है, और सारी की सारी दोस्तों ये चीज़ें जो केमिकल बता रहा हूँ वो भी बेचा करते हैं। आप वहाँ से जाकर संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो जो मैंने आपको दिखाया, जो अगर आपने आपने मतलब जेन्युइन वही बायर खरीद, जहाँ से ऑल ओवर, जैसे दिल्ली में हम अपने भी केमिकल दिल्ली से ही मंगवाते हैं, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद में वो जो वीडियो मैं लगा दूंगा तो आप उस पर क्लिक करके प्रॉपर देख सकते हैं कि उस आप किस तरह ऐप का इस्तेमाल करके या फिर गूगल का इस्तेमाल करके किस तरह से आप कोई भी परफ्यूम का केमिकल, कोई भी अगरबत्ती धूपबत्ती का रॉ मटेरियल आप किस प्रकार से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद में वो वीडियो लगा दूंगा।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो ग्रीन एसिटेट या फिर गोल्ड एसिटेट का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर इसके बारे में कोई सवाल है। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑल वाला जो बटन है वो भी सेट कर लें, क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन मैं लगातार इस चैनल पर डालता रहूँगा। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।